हाँ, मुझे 15.2 एक्सरसाइज बहुत समझने वाली एक्सरसाइज है, इतने आसान तरीके से बताऊंगा आपको, बस आपको सारे वीडियोस देखना है, बस मेरी बात को अच्छे समझना है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन बात पूछेगा उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले बताऊंगा, एक साथ सारे फॉर्मूले बता के बर्डन नहीं करना अपन को, बस मेरी बात को समझते रहना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि जो सेंटर है उसका केंद्र है, उसके ऊपर 60 डिग्री का अंतरित कोण है, तो आपको फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इस नाम को ध्यान रखना, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले डायग्राम समझो, ये सर्कल, समझ गए, ठीक है, यानी कि वृत्त 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अगर उसने लेंथ ऑफ आर्क पूछी है तो इसको थोड़ा डायग्राम को ऐसा बना दो, ये भी सात त्रिज्या है ना, ये बीच में 60 डिग्री का कोण है, इसलिए मुझे दो खींचनी पड़ी, वरना डिग्री कहाँ बनाएंगे अपन, ठीक है। ये समझ लो कि दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण है सेंटर पर, सेंटर का नाम ओ दे दो, 7 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और ये होती है चाप की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, इसे बोलते हैं बच्चे, इसे ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए बी की, तो ऐसा मान लो कि इस ए बी को आर्क बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं, ये अपन को निकालनी है। अब समझना मेरी बात, इसमें वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका। अगर उसने अभी पूछी लेंथ, लेंथ को अपन दिखाएंगे एल से, चाप की लंबाई को अपन किससे डिनोट करें अभी सब थोड़ी देर के लिए, एल से। अगर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला कब, जब वो चाप की लंबाई पूछे। लेकिन चाप की लंबाई, अब सुनना, एक क्वेश्चन और बनता है इसी में, कि अगर वो चाप की लंबाई भी दे देता आपको, कुछ भी दे देता, आर भी दे देता, आर मतलब त्रिज्या, वो भी दे देता जैसे इसमें दे रखी है, और फिर कहता इसका एरिया बताओ, एरिया का मतलब क्षेत्रफल बताओ, पूरी बात को समझना, फिर क्षेत्रफल पूछता, तो इसका बहुत ज़्यादा आसान एक फॉर्मूला होता है 1/2, यानी कि हाफ एल इंटू आर, एल का मतलब चाप की लंबाई, ठीक है, इंटू आर, ये सीधा फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये कब लगाना है, जब एल का पता हो, आर का पता हो, और फिर एरिया पूछे, समझ पा रहे हो। ऐसा अपन क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, इसलिए मैं आपको इसी से लिंक करवा दूंगा उसको भी, तो थोड़ा समझ में इजी पड़ेगा। अब समझना आप, ठीक है। अब इसकी अपन अगर बात करें तो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो दे रखा रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या, जिसको अपन आर से दिखाते हैं, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और एंगल दे रखा है अपन को, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्र पर आंतरिक कोण। एक चीज का ध्यान रखना, एंगल को दिखाएंगे थीटा से, थीटा एंगल किसे दिखाएंगे, थीटा से, वो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। पूछा क्या, इसके बाद इधर देख लो, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसको अपन एल से दिखाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है बच्चे, धीरे लर्न हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7, इंटू आर का मतलब रेडियस, वो भी 7, मल्टीप्लाई बाय थीटा 60 डिग्री, और नीचे क्या दे रखा है, 180 का 180, 0 से 0 कट, 6 की टेबल से 3 बार, 7 से 7 कट, तो 22/3 आ गया। 22/3 को पॉइंट में निकाल दो तो 3 7 21, 3 7 21 पॉइंट बच गया, 10, 3 3 9, 7.3 अप्रोक्स आता ही जाएगा वैसे तो, लेकिन अप्रोक्स लिख सकते हो सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि जो इस ये जो चाप की लेंथ, लेंथ तो पार कितनी हो जाएगी, 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 45 डिग्री, और जो त्रिज्याखंड का जो कोण है वो 45 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो नई बात आई, लघु त्रिज्याखंड, माइनर सेक्टर, पहले नॉलेज करो इसका, पहले समझना बच्चे, ये सर्कल है, एक वृत्त है, और समझना इस बात को, ये वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से और यहाँ के बीच में जो डिग्री एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45, इसी को मान के चलो, तो ध्यान रखना ये है माइनर सेक्टर, मतलब लघु का मतलब होता है माइनर, छोटा, लघु का मतलब माइनर,
और त्रिज्यीय खंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। एक सेगमेंट आएगा वो आगे पढ़ेंगे, पहले अभी यही समझो। लघु त्रिज्यीय खंड माइनर सेक्टर कौन सा? ये वाला। और जो पीछे बच गया ये हो गया मेजर सेक्टर, यानी कि बड़ा दीर्घ बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं इसको दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है, यानी कि मेजर मेजर सेक्टर। अब इन दोनों को जब भी आपसे पूछे तो इन दोनों के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर वो आपसे माइनर सेक्टर पूछ रहा है यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और अगर वो आपसे मेजर सेक्टर पूछ रहा है, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो गया, ये पूछे तो पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल का मतलब ये पूरा वृत्त, इसमें से छोटे वाले को हटा दो भाई, पूरे वृत्त का मतलब पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से इतना सा हटा दो छोटे वाला, छोटे वाले का मतलब ये का मतलब ये, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अगर हटा देंगे तो बड़े वाला आ जाएगा। ये ध्यान रखना, लघु पूछे तो पूरे में से छोटा हटा दो, और छोटा पूछे तो छोटे का अकेले का फॉर्मूला होता है। तो इन दो फॉर्मूलों को अगर समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चे अपन। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो रेडियस दे रखी है, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं वो 10.5 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का कोण जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं वो दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सर डायग्राम बिल्कुल बनाना है बच्चे आपको, हर बार बनाना है ये सर्कल, ये आप इसको 45 डिग्री के बीच में एंगल बना देना, ये कोई जरूरी नहीं है ना आपके, आप ठीक ठाक बना सकते हो, उसमें कोई वो इशू नहीं है, ये लो ठीक है। और रेडियस है 10.5, तो इधर भी 10.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, ये बना देना आप। आपसे पूछ रहा है लघु का मतलब वो ये पूछ रहा है, ये लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हिंदी वाले बच्चे, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना ओ ए बी, ताकि स्पष्ट क्लियर समझ में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओ ए बी की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की जगह 22/7, 360 अपनी जगह, आर का मतलब 10.5 × 10.5 क्योंकि आर स्क्वायर है तो दो बार, थीटा 45 डिग्री, तो 45 का 45। अब देखो आप चाहो तो पॉइंट रिमूव कर सकते हो, वरना जरूरत भी नहीं है, 7 की टेबल से काट दो तो 7 × 7 बच गए 3, लग गया पॉइंट, 7 × 5 = 35, 45 की टेबल से इसको काट सकते हो, यानी कि आप चाहो तो 5 से काट लो, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे मैं आपको 5 से काट देता हूँ, ठीक है, या 15 से काट दो, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, और 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, यानी कि 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, 24 हो गया, 3 टेबल से 8 बार जानबूझ के हल्का काटा ताकि आपको समझ में आसानी रहे। अब इसको 2 की टेबल से काट दो 11, ये 4, ठीक है, और तो कोई कटेगा नहीं बच्चे, इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 10.5 को 1.5 से, या फिर एक काम करो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये कुछ टेक्निक है जिसमें टाइम बच सकता है, 11 को 1.5 से पहले ही कर लो तो वो आ जाए 11 × 5 = 55, डायरेक्ट कर लो बिना पेन चलाए, 11 × 5 = 55, 5 हासिल लग गई, 5 कैट लग गई, 11 × 11 = 5 = 16, 16.5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 16.5 को आप 10.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 25, 5, ये आपका 30, 6 और 5, 0, 1, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5, 2, 13 हासिल यानी कि 7 और 1, और दो डिजिट बाद पॉइंट 173, 173.25/4, अब 4 से डिवाइड कर देना है तो वो अपना आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। 4×4 = 16 बच गया एक, 4×3 = 12, 4×3 = 12 बच गया एक, लग गया पॉइंट, फिर 4×3 = 12 और फिर 4×4, फिर बच गया एक, फिर 0, 4×2 = 8, 2, 5, यानी कि पूरा पूरा चला जाएगा 43.125 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्क्वायर आपका इसका एरिया हो जाएगा 43.3125, त्रिज्यखंड कौन सा, लघु यानी कि माइनर का। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको पहले फर्स्ट में एक बात करी थी, वही क्वेश्चन है ये कि द लेंथ ऑफ आर्क इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर पहले से ही गिवन है। ठीक है, इसके बाद में रेडियस भी गिवन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। मैंने कहा भी था कि अगर आपको आर और एल यानी कि लेंथ, चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी और फिर एरिया पूछे तो कौन सा फॉर्म लगाना है, हाफ एल इंटू आर। ठीक है, चलो फिर भी सोल्यूशन कराता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपने पास क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क 12 सेंटीमीटर यानी कि चाप की लंबाई, जिसको आप एल से डिनोट कर सकते हो, स्मॉल एल दे दो चाहे। देन रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या। डायग्राम सब में बनाना बच्चे, इसमें बनाएंगे अपने एक डायग्राम, एक वृत्त, ये सेंटर पॉइंट्स का, ये इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो जब भी आर की बात करें ना तो आप ऐसा बना देना ऐसा। ठीक है, ये 7, ये भी 7 होगी फिर, और आर को लेंथ यानी कि ये 12 दे रखी है आपको, 12। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। और हाँ, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, जिसको अपन आर से दिखाएंगे वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। चलो, पूछा क्या, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। देखो इसमें क्या फायदा हुआ कि हमें एंगल का नहीं पता, तो बिना एंगल निकाले अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, 1/2 L × R, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो LR/2, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है जब अपने पास थीटा भी नहीं हो और फिर अपन भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत आसान, 1/2 × L कितना, 12, इंटू आर कितना, 7, इसमें कट जाएगा 6 बार, और 6 × 7 = 42 यानी 6 × 7 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इसका एरिया हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान रखना जब एल और आर दे रखा हो तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से इजीली अपन को इसका आंसर मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3।